आज का सुसंस्कार ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, आप अपने जो प्रतिष्ठान है कमाई का, या हमारा घर है जो घर एक मंदिर है, जहां भी रहते हैं आपका इष्ट देवता है, उसका जो है वो आप चित्र लगाओ, आपकी इच्छा है। लेकिन एक जो नैतिकता की देवी है, लक्ष्मी है, जो भी नैतिकता की देवी है, उसका चित्र लगा दो और आप मोटे अक्षरों में लिख दो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसके अनुरूप चलो। मतलब ये एक आपने अपना एक माइंड मेकअप कर दिया कि मेरे पास सैकड़ों प्रोडक्ट्स है जो मैं सेल करता हूँ, मुझे 5% 10% मेरा प्रॉफिट मिलना चाहिए, उस पर एक पॉलिसी बना दी, 10% जोड़ करके उस पर लगा दिया, तो फिक्स रेट हो गई। बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, और आप क्वालिटी इन्फीरियर मत लो, और इन्फीरियर क्वालिटी वर्ड चैप्टर भाई साहब ये हमारे यहाँ नहीं मिलता है, आप पोलाइटली कह सकते हो। तो जब आपकी ये पॉलिसी बन गई, इसको कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है कि जो कोई पॉलिसी डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मान के चलता है, दो दुकानदार पास पास में, एक तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का बोर्ड लगा रखा है, ऑनेस्टी देवी को स्थापित किया है, दूसरे ने डिसऑनेस्टी की देवी को स्थापित किया है, तो वो जैसा व्यक्ति आता है वैसा तिलक निकालता है, यानी रुपए के 2 रुपए 5 रुपए जैसा व्यक्ति है उसके अनुरूप जो है वो भाव बताता, नेगोशिएट करता है। तो ऐसा करने से जो डिसऑनेस्टी वाला है उसके ग्राहक कम हो जाते हैं, और ऑनेस्टी वाला ऐसा है कि व्यक्ति की लाइन लगती है, उसके अंदर एंट्री में भी नहीं मिलती, लोगों को पता है यहाँ माल सही मिलेगा, सही रेट मिलेगी, व्यवहार कुशलता होगी, पास वाले कोई जाता नहीं, उसके यहाँ इतनी भीड़ पड़ती है। ये नीति का फल है।